दमन दीव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केतन पटेल ने फिर दमन एवं दीव में हाईवे को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बनाने का लागा लापा। दमन दीव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केतन पटेल ने एक बार फिर नेशनल हाईवे को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बनाने का राग अलापा है। केतन पटेल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हिमाचल के गवर्नर ने 16 सड़कों को एक झटके में ही डीनोटिफाई करके स्टेट हाईवे से मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बना दिया है। हमने आज प्रशासक को पत्र भेजकर इसी तर्ज पर दमन एवं दीव की नेशनल स्टेट हाईवे को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बनाने का आग्रह किया है और प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ऐसा करने में सक्षम है और उन्हें डी नोटिफाइड करके हाईवे का झंझट ही खत्म कर देना चाहिए। दमन दीव में नेशनल स्टेट हाईवे को डी नोटिफाइड कराने के लिए भाजपा कांग्रेस डेलीगेशन के साथ गृह राज्य मंत्री हंसराज आहिर से मुलाकात करने जाने के सवाल पर केतन पटेल ने कहा कि असल में इसकी जरूरत ही नहीं है, दिल्ली जाना ही है तो हंसराज आहिर की जगह परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलना चाहिए, फिर भी हमने तय किया है तो दिल्ली जाकर हंसराज आहिर से मिलेंगे। प्रशासक के पास क्या गवर्नर के समान पावर है जो वे डी नोटिफाइड कर सके? इस सवाल के जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष केतन पटेल ने कहा कि बिल्कुल वे कर सकते हैं और उन्हें करना ही चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मारा मित्रों प्रेस मित्रों का स्वागत छे। खास तमने तकलीफ आपवानो हेतु ये हतो के एक आ नोटिफिकेशन जे हिमाचल सरकार तरफ थी जारी करवामां आव्यु छे तो मैं आजे मुख्यमंत्री कार्यालय हिमाचल प्रदेश थी मंगाव्यु अने आ नोटिफिकेशन नी कॉपी आपड़ा माननीय प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल ने पण मोकली देवामां आवी छे अने एक प्रफुल्ल भाई ने एक आ पत्र आजे ज मैं लखी मोकलाव्यो छे। आजे मित्रों नोटिफिकेशन छे ए नोटिफिकेशन 5 एप्रिल 2017 ना जारी कर्यो छे अने आ नोटिफिकेशन त्याना गवर्नर हिमाचल प्रदेश ना गवर्नरे जारी करेल छे। आ नोटिफिकेशन में एवं लखेलू छे, नोटिफिकेशन डेटेड 5 एप्रिल 2017, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ध गवर्नर, हूँ रिपीट करूँ, ध गवर्नर हिमाचल प्रदेश इज प्लीज टू डी नोटिफाई द फॉलोइंग स्टेट हाईवे रोड्स एंड रिक्लासिफाई द सेम एज मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। आ नोटिफिकेशन द्वारा हिमाचल प्रदेश ना गवर्नरे जे आ नोटिफिकेशन जारी कर्युं छे एमा सोल रोड ने सोल हाईवे ने मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड घोषित करेला छे अने आ नोटिफिकेशन में एमणे आ जे बधा रोड छे सोल 16 रोड छे लास्ट में रैनीताल टू 32 माइल्स टोटल रोड 39.6 जेबी शाहपुर हमीरपुर चंबा ऊना नूरपुर पोंग डेम जोगिंदरनगर जवाहरमुख नेहरा शिमला तटपानी मंडी आ बदा हाईवे था एने मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड घोषित कर दीधा अने आ ऑर्डर नी कॉपी द सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे न्यू दिल्ली एने मोकली देवामां आवी। ए पछी एमणे घणी बधी एक सेकंड कॉपी मारा ख्यालथी ए बी तमने आपूं छूं केटला 10 जन ने 12 जन ने भारत सरकारमां एमणे મોકલાવી। પાછું હું વાંચું, ધ ગવર્નર હિમાચલ પ્રદેશ ઇઝ પ્લીઝ ટુ ડી નોટિફાઈ, એટલે આ ગવર્નરશ્રીએ નોટિફાઈ ડી નોટિફાઈ ત્યાં નેશનલ હાઈવે કરી દીધો। તો હવે તમે મને કહો કે આપણાએ કોણે કરવું? તો આ પત્ર આપણા માનનીય પ્રશાસક શ્રી પ્રફુલ્લભાઈ પટેલને મેં આજે જ મોકલાવ્યો છે અને એમાં ડિટેલમાં લખ્યું છે અને ડિટેલમાં લખીને એમને મોકલાવ્યું છે કે તમારો પાવર છે અને તમે આને ડી નોટિફાઈ કરી નાખો। થોડા દિવસ પહેલાં જ એક ઓલ પાર્ટી ડેલિગેશન જેવું જવાની વાત દિલ્હી કરેલી 11 અને 12 તારીખે અને ત્યાં આપણા દમણના ભાજપના પ્રમુખ દમણદીવ ભાજપ પ્રમુખ ગોપાલભાઈ ટંડેલ એમનો આગ્રહ હતો કે દિલ્હી જાય અને હંસરાજ આહિર જે મિનિસ્ટર ઓફ સ્ટેટ હોમ છે એમને મળવાનું અને એમના પાસે આપણા પ્રશાસકશ્રીને ફોન કરાવવાનું અને પછી આગળ એમના દિલ્હીથી ત્યાંથી એ કંઈ મોકલાવીને ડી નોટિફાઈ કરવાની વાત હતી, પણ મિત્રો એવું છે જ નહીં અને આ ફક્ત ને ફક્ત આપણા પ્રશાસકશ્રી કરી શકે। તો અમે રિક્વેસ્ટ લેટર એમને મોકલાવ્યો છે અને મને પૂરી આશા અને ઉમ્મીદ છે અને ખાસ કર આપણા દમણના તમામ લોકોની
उम्मीद प्रफुल्ल भाई पटेल पर छे, कारण के भारतीय जनता पार्टी ना जे अहीं सांसद छे ए सांसद आ मुद्दे निष्फळ गया छे। 3 महीना पहला मोटी मोटी बात करी हती के नितिन गडकरी साथे बात थई गई, केन्द्र सरकार में बात थई गई अने हूँ आ वस्तु ने करी नाखीश, हाईवे ने काढ़ी ने डीनोटिफाई करी नाखीश, पण एने कराई शक्या नहीं। तो दमण अने दीवनी जनता वती हूँ प्रफुल्लभाई पटेल ने रिक्वेस्ट करूँ तमारा माध्यम थी के आने डीनोटिफाई करी नाखे। आ जे पत्र मोकलाव्यो छे ए हूँ वाँचीने बताऊँ तमने। आजे लिखो छे 7 तारीखे, श्री प्रफुल्लभाई पटेल जी, प्रशासक दमण दीव, दादरा नगर हवेली। विषय: हिमाचल के राज्यपाल की तर्ज पर दमण दीव में नेशनल स्टेट हाईवे को डी नोटिफाई करने के संबंध में। महोदय, जय भारत के साथ उपरोक्त विषय में संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल के महामहिम राज्यपाल ने हिमाचल राज्य के 16 स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे को नोटिफिकेशन नंबर 100 को डी नोटिफाइड के जरिए तत्काल प्रभाव से मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में तब्दील कर दिया है। इस संबंध में हिमाचल सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने राज्यपाल की ओर से 5 अप्रैल 2017 को बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके राज्य के संबंधित 16 स्टेट नेशनल हाईवे को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बनाने की आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। और इस नोटिफिकेशन को आपके भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव को भेज दिया गया है। हिमाचल के राज्यपाल के इस नोटिफिकेशन के प्रतिलिपि इस पत्र के साथ आपको प्रस्तुत की जा रही है। श्रीमान जी, इस पत्र के माध्यम से हमारा पुनः आपसे आग्रह है कि दमण दीव जिला में नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे को फौरन ही मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में तब्दील किया जाए, जैसे कि हिमाचल के राज्यपाल जी ने किया है। दमण दीव के नेशनल स्टेट हाईवे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में तब्दील करने या डी नोटिफाई करना आपके अधिकार क्षेत्र में ही और आता है, और नोटिफिकेशन जारी करके ऐसा आप कर सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट में एक रिक्वेस्ट ये भी लिखी है कि महोदय जी, दीव दमन की जनता को नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में तब्दील करने को लेकर आपसे बड़ी उम्मीद है और हमें पूरा विश्वास है कि आप इसे डी नोटिफाई करेंगे। आ लेटर हमें माननीय प्रशासक श्री ने मोकली दीधो छे। हूँ प्रशासक श्री ने आज मळवानी कोशिश करीश, एमने मळीने भी बात करीश, पण आ नोटिफिकेशन जे छे हिमाचल प्रदेशनू एमना ज गवर्नर, एमना ज साथी मित्रों गवर्नरे काढ्यो छे, अने गवर्नरना हिसाबे आ डी नोटिफाई ऑलरेडी त्यां थई गयुं छे। ए कया तारीखे? 5 એપ્રિલ 2017, એટલે 30 તારીખ ઓર્ડર આવ્યા પછી, અને આજ સુધી ખાલી હવા હવાઈ વાત હતી કે કયા સરકારે કરી, કોણે કર્યું, કોઈનો પાવર નથી। તો આ નોટિફિકેશનની કોપી આ મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયથી જ મેં ત્યાંથી મંગાવી દીધી છે। થેન્ક યુ।